अच्छा मम्मी, और आज हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। कामोटे के राजा के यहाँ पर पूजा करा रहे हैं हमारी फैमिली की तरफ से सब लोग, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और पापा हमारे तरफ से खाना भी है और पूजा भी है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मधु भाभी ये लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लक्ष्य भी रेडी है, मनीष भी रेडी है, सारे रेडी है, चलो चलते हैं। आ गई हूँ मैं नीचे, मनीष गाड़ी लेके आ रहा है। ओके, ऐसे तैसे रेडी हुई भाई, भाई से भाई मैंने आराम भी नहीं किया, खाना खाया, रेडी हो गई, अभी निकल रहे हैं। मैं बहुत कंटाल भी आया, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अभी उधर मनीष लग गए गाड़ी निकालने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं और घूम फिर के जा रहे हैं, ताकि ये देखने के लिए कि आज 10 दिन का गणपति का विसर्जन है, तो कहाँ कहाँ विसर्जन की तैयारी है। तो मनीष बोल रहा था कि जल्दी होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं हमको ज़्यादा सुबह, ये दोपहर का टाइम है 3 बजे, तो हमको कहीं दिखा नहीं विसर्जन की तैयारी, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है शाम को ही विसर्जन की तैयारी और सब कुछ दिखेगा। अभी तो कोई तैयारी ना कुछ दिख रहा है, और वही अब लोग डिस्कस करते करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में अनलिमिटेड गणपति है। बस ये MNR स्कूल की जो गणपति है वो सुबह सुबह चली गई, तो अभी देखते हैं कहाँ पर कुछ गणपति मिलती है, या डायरेक्ट फिर अभी कामोटे के राजा के यहाँ पर जाते हैं। सो ये रही मैं, लक्ष्य देखो, और मैं खुद को निहार रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, एकदम कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। पहुंच चुके हैं हम लोग और बैठे हैं, सत्यनारायण पूजा चल रही है। तो ये कोई होटल के मतलब कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, होटल है इनका फ्रेंचाइज, तो उन्होंने सत्यनारायण पूजा अरेंज की थी, तो वो अभी पूजा करा रहे हैं। हम सब बैठे हैं और देख लो हमारे कामोटे के राजा को, दर्शन ले लो। यहाँ पर क्योंकि मुकेश भैया की तरफ से खाना था, और ये मंडल वाले इस बार खाना वगैरह कुछ नहीं रख रहे थे, तो मुकेश भैया की तरफ से खाना सब कुछ था, तो उन्होंने उनका सत्कार किया। ऑब्वियसली जो इतनी अच्छे काम करते हैं तो एक रिस्पेक्ट मिलता है, और उन्होंने मतलब उस मंडल के मेंबर हो चुके इसीलिए उन्होंने सत्कार किया था। बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत मतलब प्राउड महसूस हुआ। सो फाइनली सत्यनारायण पूजा हो गई है। अभी हार चेंज कर रहे हैं वो लोग, पीछे आपको दिख रहे होंगे स्टेयर केस लगाया है, और भैया वो लोग हार चेंज कर रहे हैं अभी, और हम लोग सब लोग बैठे इधर, प्रसाद वसाद खा लिया हमने शीरा का, अभी बैठे हैं। देखते हैं अभी आगे का क्या प्रोग्राम होगा, मैं आपको बताती हूँ, जो भी होगा आपको बताऊँगी, अभी हार लगने के बाद बता दूँगी। सो गाइस, हो गया है पूजा, और सब लोग अभी वहाँ पर, यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे, क्योंकि यहाँ पर खेलने की बहुत सारी चीज़ें, ट्रैम्पोलिन, और वहाँ पर ना विसर्जन भी हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और प्लेन में जा रहा है, हाँ लक्ष्य प्लेन में बैठ चुका है, उड़ान ले रहा है। सो अब थोड़ी देर में हम लोग घर जा रहे हैं, और 6 बजे ऐसे हमारी तरफ से अन्न प्रसाद है, तब आएंगे हम लोग। तब तक फिलहाल के लिए अभी हम लोग घर पर जाके आएंगे। ये रहे सब लोग, यहाँ पर है 3-4 राइड्स बच्चों के लिए। बाय बाय बाय। बाय बेबी। बाय। आ गए हम लोग, और अभी हो रहा है नाश्ता पानी। अरे लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, ओके ओके।
अभी खा लो, अभी तुम लोग एनर्जी फील कर। सो हम लोग निकल गए ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ गणपति विसर्जन चालू है और हमें कहाँ कहाँ देखने मिलता है। तो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भी मिलेंगे, जिस रूप में भी गणेश जी हमारी सुन ले वही बड़ी बात है। तो मैं हर जगह का आपको थोड़ा थोड़ा शूट करके बता रही हूँ और आप भी एंजॉय करो इस चीज़ को। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब भी विसर्जन भी देखते या आगमन भी देखते, क्योंकि दोनों टाइम पे एक अलग अलौकिक तेज होता है और बहुत मतलब खुशी और शांति रहती है सबके लाइफ में और मज़ा आता है। दुख तो होता ही है कि गणपति जी जा रहे हैं, लेकिन उतना ही प्यार भी रहता है। आपको पता ही है कि वो जब आते हैं तो बहुत सारी खुशियां तो साथ लाते ही है, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और बहुत सारे गणपति, अनलिमिटेड गणपति देखे हमने। कुछ तो मैं शूट भी करना भूल गई, और डेकोर भी कितना सुंदर सुंदर किया है लोगों ने। ट्रक और इस पर भी इतना अच्छा डेकोर, और बैंड बाजा भी इतना मस्त वाला बैंड बाजा रखे थे। और जब ऐसे बैंड बाजा जो बजता है तब जो मेरे अंदर ऐसे होता है, क्योंकि मैं बचपन से मुंबई में रही हूँ और जब भी गणपति देखते विसर्जन या लाने का तो उसमें जो बैंड बजता है उसमें डांस किया है हर साल, तो एक अलग ही मज़ा आता है। ये हमारे सेक्टर 6 में शिव मंदिर के अपोजिट के ग्राउंड में लगा था ये गणपति। इतना सुंदर गणपति लग रहा था तो मैंने सोचा उसका क्लोजअप भी दिखा दूँ आपको। और बहुत सारे लोग छोटे छोटे जो घर में रखते हैं वो ऐसे कार में लेके जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर में रखने वाले 10 दिन रखते ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत पालना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो दैट इज़ रियली लाइक ब्यूटिफुल थिंग। और ये बैंजो और बैंड देख के तो हाय हाय क्या बताऊँ। फाइनली हम लोग आ गए किंग ऑफ कामोटे के यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी खाना बांटना चालू हो चुका है। और इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोगों के पेट में ये प्रसाद जा रहा है और बहुत सारे लोग आज भूखे नहीं रहेंगे। इसकी खुशी एक अलग ही खुशी होती है। जो बोलते हैं ना, अन्नदान एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। सो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मुकेश भैया देखो बांट रहे हैं, तो उनको देखा तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितनी सेवा करो उतना भगवान देता है। बोलता है ना, लोगों को जितना आप क्योंकि बाकी सब चीज़ें वस्तु इस सब चीज़ों का मोल नहीं है, जितना खाना हम खाने के लिए बहुत सारे लोग तरस जाते हैं, तो इतने सारे लोगों को खाना खिलाकर बहुत दिल को सुकून पहुँचती है। और आई एम प्राउड कि मुकेश भैया ने ये किया, तो हमारे फैमिली को ये सम्मान मिला और वी आर लाइक रियली हैप्पी कि इसका मौका मिला हमको रियली। ये लक्षु और वेदू किसी और के गणपति के विसर्जन के बैंड में नाच रहे थे। भाई बच्चे तो ऐसे ही होते, दिल के साफ, जहाँ पर उनको मन करे वहाँ पर उनका मतलब डांस निकल जाता है। और लक्षु तो भाई ऐसा ही है, उसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब इतना शौक कि पूछो ही मत आप। और उसको बहुत मज़ा आता है डांस करने का। सो आई वाज लाइक रियली हैप्पी, चाहे कहीं भी एंजॉय करें, क्योंकि दिल से करते हैं लोग, अपने मन में कुछ भी पाप नहीं होता इनके। और फिर हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद का सेवन किया, क्योंकि ये ज़रूरी है। और उसके बाद भी हमने और भी गणपति विसर्जन देखे, इतने प्यारे प्यारे गणपति जी थे ना गाइस। रियली मैं ये बोलूँगी कि भाई साहब, मतलब जो एक प्यार निकल रहा था ना मुझे इन सब गणपति जी को देखकर, कि ओ माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल गणपति जी थे। और सबने इतना मस्त मस्त ढोल और ताशा और बैंजो और पथक वाला ढोल, नासिक ढोल, पुनेरी ढोल, हाय क्या नहीं देखा हमने। और ये यहाँ पर एक बड़ी गणपति जा रही है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये गणपति वो थी जो माताजी मंदिर के बाजू में था, जो जिसका मैंने वीडियो डाला है 5 जगह पर जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया तभी का। तो यहाँ पर तो फुल उन्होंने पथक बुलाया था, और आई लव पथक, मतलब उन लोग जो बजाते हैं ना उसमें जो मज़ा है ना, मतलब और कहीं भी नहीं। तो आप एंजॉय करो ये। Thank you.
आगे भी हमने बहुत सारे गणपति देखे, तो आप देखो और एंजॉय करो। गणपति देख के फिर मधु भाभी के घर पे गए, खाना खाया और फिर से आ गए थे गणपति देखने। चतुर्दशी खत्म हुई, बहुत मजा आया। आज पूजा और अन्नदान और इन सब चीज़ों का लाभ जो उठाया हमें, बहुत मजा आया। और बहुत सारे गपशप, हंसती मजाक, डांस,
उल्लास के साथ जो बप्पा का जो विसर्जन हुआ है ये देखकर दिल को अलग सुकून पहुंची और होप कि बप्पा आपके सारे दुख दर्द लेके गए और आप सबको खुशियाँ दिए होंगे। और इसी बात से मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो क्या है लक्ष्य अपने चैनल? दिस इज लक्षण मम्मी। हाँ लक्षण मम्मी के लिए तो बात लाइफस्टाइल है। चलो इसी मजाक मस्ती और सबके साथ ये देखो लक्ष्मी लग देखो मेरे ऊपर क्या लगा। अयो ची ची। सो गाइस बाय पीस आउट। बोलो सब लोग पीस आउट।